खजाना बनी 171 शत्रु संपत्तियां। 28 मार्च को होगी नीलामी। लखनऊ समेत कई जिलों में सर्वे जारी। प्रदेश के कोने कोने में मौजूद शत्रु संपत्तियां अब सरकार के लिए कुबेर का खजाना बनती जा रही हैं। शत्रु अभिकरण कार्यालय द्वारा 28 मार्च को 171 शत्रु संपत्तियों की नीलामी की जाएगी। जिन संपत्तियों की नीलामी की जाएगी लखनऊ के अलावा प्रदेश कई जिलों में है। गृह मंत्रालय ने कुछ दिनों पहले देश भर की उन सभी शत्रु संपत्तियों को बेचने का आदेश दिया था। राजीव वाजपेयी लखनऊ प्रदेश के कोने कोने में मौजूद शत्रु संपत्तियां अब सरकार के लिए कुबेर का खजाना बनती जा रही हैं। शत्रु अभिकरण कार्यालय द्वारा 28 मार्च को 171 शत्रु संपत्तियों की नीलामी की जाएगी। जिन संपत्तियों की नीलामी की जाएगी वह लखनऊ के अलावा प्रदेश के कई जिलों में है। गृह मंत्रालय ने कुछ दिनों पहले देश भर की उन सभी शत्रु संपत्तियों को बेचने का आदेश दिया था जो निर्विवादित है और उनका उपयोग कृषि कार्य के लिए हो रहा है या फिर भूखंड के रूप में है। लखनऊ की भी कई संपत्तियां नीलामी के लिए चिन्हित की जा चुकी हैं और कई का सर्वे चल रहा है। मुख्य पर्यवेक्षक ब्रिगेडियर यशपाल सिंह के मुताबिक कृषि योग्य जमीनों की तरह ही शत्रु अभिकरण कार्यालय शहर में मौजूद कुछ चुनिंदा व्यावसायिक और आवासीय संपत्तियों को भी नीलाम करेगा। शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय द्वारा प्रथम चरण में मुजफ्फरनगर, अमरोहा तथा मुरादाबाद जनपद के 21 शत्रु संपत्तियों को नीलाम किया गया है। द्वितीय चरण में सुल्तानपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर तथा अमरोहा में 22 शत्रु संपत्तियों को नीलाम किया जाएगा, जिससे 15 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। यशपाल ने बताया कि नीलामी प्रक्रिया में यदि संपत्ति की निर्धारित कीमत 1 करोड़ से कम है तथा वर्तमान में भूमि पर कोई काबिज है तो उसको प्राथमिकता दी जाती है। यदि काबिजदार निर्धारित मूल्य अदा कर देता है तो ये संपत्ति उसको ही सौंप दी जाती है।